आपका हमारे चैनल हरियाणा टूवल पे। और आज हम पहुंच चुके हैं मसोबरा, और मसोबरा में आए हम क्रीन एनो नेचर पार्क में। हम आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे और बाहर की भी आप एंट्री देख सकते हैं। और जो यहाँ की टिकट है वो आप देख सकते हैं पर पैक्स पर पर्सन जो है वो 50 रुपीज़ की है, 2% की यहाँ पर जो अगर मेजर है डल है तो उनकी 100 रुपये की टिकट होगी। अब हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। ये है एंट्रेंस क्रीन एनो नेचर पार्क की। क्रीन एनो नेचर पार्क मसोबरा में है। शिमला से आप मसोबरा आते हैं तो आप क्रीन एनो नेचर पार्क में भी आ सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क भी है। क्रीन एनो नेचर पार्क डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम शिमला सिटी। ओवरव्यू आप देख सकते हैं नेचर पार्क का। क्रीन एनो नेचर पार्क जो काफी डिस्टेंस में फैला हुआ है, यहाँ पर कम से कम आपको 30 से 40 मिनट्स घूमने के लग जाएंगे। पाइन ट्री ट्रीट 1 यहाँ सिंबल है, आगे जो है वो पाइन ट्री ट्रीट 2 है। देखते हैं कितना बड़ा इसका एरिया है और क्या क्या यहाँ पर देखने को हमें मिल जाएगा। पक्षियों की जो चहल चलाने की आवाज़ वहाँ पर आ रही है। यह है क्रीन एनो नेचर पार्क की ग्रीनरी, आप देख सकते हैं थोड़ा एंटर करते ही लेफ्ट साइड में ग्रीनरी बहुत ही अच्छी। यह है क्रीन एनो नेचर पार्क की डायमेंशन। टोटल लेंथ जो है 800 मीटर अप्रोक्स 1 किलोमीटर, ये आप देख सकते हैं पूरा डायग्राम। ये है मेडिसिनल गार्डन, यहाँ पर जो प्लांट्स हैं और मेडिसिनल प्लांट आपको मिल जाएंगे क्रीन एनो नेचर पार्क में। ये है इनकी डिटेल्स, नीलकंठी रखल बन अजवाइन कारो चोरा, ये मेडिसिनल गार्डन की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। इंगो बाइलोबा, ये आप देख रहे हैं नज़ारा क्रीन एनो नेचर पार्क का। मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, चिल्ड्रन पार्क भी है और भी आगे काफ़ी चीज़ें हैं देखने की। इसमें आपको करीब 30-40 मिनट्स आराम से विजिट करने में इसको लग जाती हैं। नेक्स्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है कंपोजिट पिट। ये है ट्रेंचेस, नीचे जो है उसको वन सरोवर बोला जाता है।
खड्डा है उसमें पॉलीथीन डाली हुई है, जो रेन का वाटर है वो यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसको वन सरोवर बोला जाता है। ये ब्रशवुड चेक डैम आप ये देख सकते हैं। ये है ड्राई स्टोन चेक डैम, लूज बोल्डर चेक डैम, क्रीक नैनो नेचर पार्क के अंदर ही आप यहाँ पर आते हैं तो देख सकते हैं। नेचर जो लवर हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल आपको फीलिंग आएगी यहाँ पर। ये तितली आप देख सकते हैं कितनी सुंदर, ये खेल रही है हमारे साथ, ब्लैक एंड व्हाइट आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी। ये डर नहीं रही है और खेल रही है हमारे साथ, ये देखिए। बिल्कुल ही प्यारी, बहुत ही बखूबी नजारा। ये है क्रीक नैनो नेचर पार्क में बैठने के लिए हट। अगर किसी का जो रेस्ट मोड एक्टिवेट हो गया और थक गया है तो यहाँ पर रेस्ट करके फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को क्रीक नैनो नेचर पार्क में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन भी लगी हुई है कि मेन रोड 600 मीटर उस साइड है और 200 मीटर उस साइड भी जाते हैं तो मिल जाएगा, एकेडमिक एरिया उस साइड है। ये अंदर का नज़ारा राउंड बनाया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे हेलीपैड हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये अलग अलग किस्म के फ्लावर आपको देखने को मिल जाएंगे क्रीक नैनो नेचर पार्क में। एक देख सकते हैं आप ट्री, लेकिन ये प्लास्टिक है, डिजाइन बनाया हुआ है लेकिन ये प्लास्टिक है। ये टॉप है बिल्कुल क्रीक नैनो नेचर पार्क का, यहाँ पर आप फोटोज वगैरह ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू, चारों तरफ यहाँ खाई दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही टॉप पे है ये। फ्लावर ये आप देख सकते हैं ट्री हाउस, क्रीक नैनो नेचर पार्क के अंदर ही आपको ट्री हाउस भी मिल जाएगा। ट्री हाउस के बाहर का नजारा, गेट
पुराने टाइम से बना हुआ है, तो बंद है अभी, दरवाजे वगैरह भी टूटे हुए हैं। टॉप में आपको ये बुद्धा जी की इमेज मिल जाएगी, मूर्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी। ये है वुडन टेबल एंड चेयर, बिल्कुल देसी, आप देख सकते हैं यूनिक लग रही है बिल्कुल। ये है टेबल और ये आप देख सकते हैं चेयर्स, क्रिक नैनो नेचर पार्क के अंदर ही क्रिएशन आपको देखने को मिल जाएगी। ये है हिमाचली बैंड मंडली, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक जो देसी खेती है हिमाचली कल्चर की वो दिखाई हुई है, और बीच में ही जो ये हिमाचली महिला है उसका स्टैचू, और उसके साथ ये बकरी का बच्चा, ये देखिए बहुत ही सुंदर, वो बहुत ही सुंदर व्यू है ये, आप देख सकते हैं। ये नेचर पार्क का चिल्ड्रन पार्क, फ्रेंड्स क्रिक नैनो नेचर पार्क में आप यूनिक क्रिएटिविटी देख सकते हैं। भालू, भालू आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रिएटिविटी है, और उसके साथ ही ये है जो मक्खियों का छत्ता, ये क्रिएटिविटी है। और उस साइड आप देख सकते हैं चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, जो अभी मैंने आपको दिखाया, अगर बच्चे यहाँ पर आते तो फुल इंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे 8 से 10 चिल्ड्रंस के लिए झूले मिल जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए। बाकी हम दिखाते हैं आपको चिल्ड्रन ट्रैफिक, तो फ्रेंड्स बाकी हम दिखाते हैं आपको कि क्रिक नैनो नेचर पार्क में और क्या क्या है, चलिए मेरे साथ आगे। ये आप देख सकते हैं क्रिक नैनो नेचर पार्क में ट्री हाउस, एक और ओरिजिनल ट्री हाउस जिसके बीच में से ट्री है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्रिक नैनो नेचर पार्क में ट्री हाउस भी देखने को मिल जाएंगे। और अब आप देख पा रहे होंगे ये है पूल, कितनी सुंदर क्रिएटिविटी है ये, आप देख सकते हैं पानी और पानी के अंदर ये क्रिएटिविटी बनाई हुई है। बैठने के लिए भी अलग से क्रिएटिविटी, आप देख सकते हैं मछली की सेम में ये बेंच इन्होंने बनाया हुआ है, कितनी सुंदर क्रिएटिविटी है। नेचर पार्क में अगर आप आते हैं तो ये वर्थ रहेगा आपके लिए, क्योंकि 50 रुपीज की टिकट यहाँ पर लगती है, और 50 रुपीज में अगर आपके साथ चिल्ड्रंस भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय आप कर सकते हैं।
दोबारा फिर से आप क्रिएटिविटी देख सकते हैं, वुडन की जो चेयर बनाई हुई है रेस्ट के लिए, फिर से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये है एक फुल फ्लाईओवर बना दिया उन्होंने, तो क्रिक नैनो नेचर पार्क के अंदर ही वुडन फ्लाईओवर आप देख सकते हैं पुल यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये था क्रिक नैनो नेचर पार्क आपके लिए, और अब हम एंड करते हैं इस वीडियो का। और आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक ऑफ ट्रैक एक ऑन ट्रैक। ऑफ ट्रैक आप जाओगे तो साइड से घूम के ऑन ट्रैक पे आ सकते हो, अप्रोक्स 800 मीटर है। और क्या क्या देख सकते हैं आपको ये गाइड मैप हम बता सकते हैं कि आपको अंदर ही ये मिल जाएगा टुलिप गार्डन देखने को, रोड पे आपको बुद्धा जी मिल जाएंगे, चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क जो हमने आपको वीडियो में दिखाया, ट्री हाउस आपको मिल जाएंगे, और इसी तरीके की काफी एक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो साइड ट्रैक से आप अगर जाते हैं तो साइड ट्रैक से आपको कंपोजिट बीच मिल जाएंगे, ट्रेंचेस, मॉन्ट रोवर, और ये डैम, उसके बाद फिर से डैम और स्ट्रीट एरिया। स्ट्रीट एरिया मतलब ये ऑफ ट्रैक और सीटिंग एरिया भी अलग से आपको बैठने के लिए मिल जाएगा। अगर आप सकते हैं तो आप ये इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ से आप आ सकते हैं, मेन रोड जो है ये बीच में है। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो जो है यहाँ पे नेचर पार्क के बारे में, क्रिक नैनो नेचर पार्क जो कि मसोबरा में। तो आप अगर मसोबरा में आते हैं या फिर शिमला आते हैं तो आप इस पार्क का एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टूरिस्ट प्लेस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।